Hey, पहले ऊपर कौन जाएगा? मेरी तरफ क्यों देख रहे हो तुम लोग? हैं सर, सर सिर्फ एक बार आप मुझे थाई मसाज दिलवा दीजिए, उसके बाद मैं हंसते हंसते सूली चढ़ जाऊंगा। Hey, बाकी सब नीचे बैठे हैं, पर तू ऊपर क्यों बैठा है? सह भी नहीं सकता, कह भी नहीं सकता। पिछवाड़े की इतनी धुलाई हुई है कि नीचे बैठ नहीं सकता। उसने तुम्हें ब्लैकमेल कर तुम्हारी जगह डांस स्कूल में डांस मास्टर बनकर आ गया, फिर भी तुमने कुछ नहीं किया। सर आप भी तो तमाशा देखते रह गए, आपकी बेटी को उठा कर ले गया और आपने क्या उखाड़ लिया उसका? मैं आखिरी बार पूछ रहा हूँ, उसका प्लान मुझे बता दो, सबको छोड़ दूंगा। अपने सर की कसम, हमें कुछ नहीं मालूम, हम लोग एक ही चौल में रहते हैं सर, इसके अलावा हमें उसके बारे में कुछ नहीं पता। आयशपत वो क्या करने वाला है किसी को पता नहीं चलता, करने के बाद जो होता है वो सबको पता चल जाता है। ए, चल तेरा फोन दे। इतने बड़े आदमियों का सादा फोन नहीं रख सकते। ले, मना थोड़ी किया। वो तुम्हें फोन जरूर करेगा। मेरा फोन नंबर कंपनी को याद नहीं, उसे क्या याद रहेगा? अगर फोन किया तो ये दसवां अजूबा होगा। अगर उसने फोन किया तो ये मास्टर रंगीला आपके चरण धोके पिएगा। बोलो कब छोड़ोगे मुझे? शाम तक मैं तुम सबको छोड़ दूंगा। थैंकिंग। एक तो पहले पापा का टेंशन, ऊपर से अब इसे संभालो। ए, जरा मोबाइल देना। मोबाइल? हाँ, एक अर्जेंट फोन करना है तो। सॉरी, वो तुम्हें मिलने के चक्कर में मैं अपना मोबाइल घर पर छोड़ आई। तुम्हारा मोबाइल जिसमें अनलिमिटेड टॉक टाइम है, घर पे भूल कर आ गई। पर तुम्हारा मोबाइल कहाँ है? तुम भी घर पर भूल आए क्या? तुम्हारे बाप के भेजे गुंडों की धुलाई कर रहा था तब डांस स्कूल में गिर गया। अरे वाह, इसका मतलब हम कहाँ है किसी को नहीं पता। देखो, किसी को पता होना चाहिए, किसी एक इंसान को। चलो कहीं से फोन का बंदोबस्त करते हैं। नो, क्या हुआ डार्लिंग? पेट्रोल खत्म हो गया जानू। तुम्हारा या बाइक का? बाइक का। हम कहाँ हैं फुल्टू मजनू? लगता तो जंगल है। कौन सा जंगल? गढ़चिरौली जंगल। गढ़चिरौली? मुझे तो कहा था कि लॉन्ग ड्राइव पर जाएंगे, फिर यहाँ क्यों ले आए मुझे? मैं कहाँ ले आया जानू? तुमने जो मुझे इतना कस के पकड़ा था तो मेरा सारा ध्यान उसी पर था। ये भी लगता है लॉन्ग ड्राइव पर आए थे। हेलो, आई एम राजा। हाय माधवी। हेलो, नमस्ते। I'm FM, full to Majnu, the love guru. Love guru मतलब 0.5 FM? 0.5 FM नहीं, 93.5 FM. सर, मैं तो आपका बहुत बड़ा फैन हूँ। देखा डार्लिंग, मेरे फैंस मुझे जंगल में भी फॉलो कर रहे हैं। गुरुजी, आप जो लव पर टिप्स देते हैं ना, उसी से इंस्पायर होके इसे पटाया। सच्ची? मेरे पास इतना दिमाग है? आप तो लव के आईफिल टावर हैं। तुम बहुत आगे तक जाओगे, विरार तक। अरे सर, आप मिले इस पर कोई यकीन नहीं करेगा, मैं अपने दोस्तों को ये बात सुनाता हूँ। तो सुनो। तो फोन लाओ। तुम्हारे फोन को क्या हुआ? जब जंगल में साथ लड़की का सिग्नल हो गुरुजी, तो फोन का सिग्नल किसे चाहिए? स्मार्ट बॉय, तुम मेरे फैन हो, अनलिमिटेड बात करो, आउटगोइंग फ्री, एफएम वाले बिल भरेंगे। थैंक्स गुरुजी। नहीं दयानंद, मेरी बात ध्यान से सुनो। क्यों सुनूं? मुंह बंद रख। ऐसी नाजुक हालत में आप बहुत चल रहे हैं, आपके हल्के पैर भारी हो गए होंगे। प्लीज सिट डाउन सर। मारा, स्कूल की घंटी जितनी बार नहीं बजी उतनी बार आप मेरी बजा चुके हैं। बॉस, इसका फोन बज रहा है। ये रॉन्ग नंबर है, जरूर आपका ही होगा सर। ले बात कर। मैं प्राइवेट कॉल्स नहीं लेता। बवंडर बिहारी जी कहते हैं तो बात कर, बात कर। रंगीले मास्टर, आपने अचानक मुझे फोन क्यों किया सर? क्या मतलब? अगर तुम्हारा सपोर्ट ना होता तो मैं माधवी के इतने करीब कैसे आ पाता? इसीलिए तो, नए साल की मुबारकबाद देने मैंने तुम्हें पहले फोन किया। इतने सालों से मुझे किसी ने विश नहीं किया, आपको यही मौका मिला। हाँ मास्टर जी, बताओ मूंगफली अनार और छिलका कैसे? उन्हें क्या होना है, खा पी के सांड हो गए। ये क्या कर रहा है? काम की बात कर, पूछ कहाँ है। समझ गया, बताइए इस वक्त मैं कहाँ खड़ा हूँ? मेरे ससुर के सामने। मम्मी, एक बाप की औलाद है तो सामने आ। मेरे बाप के बारे में कुछ बोला ना तो इतना मारूंगा कि अपने बाप का नाम भूल जाएगा। मेरी बेटी कहाँ है? 70 kg weight, 170 सेंटीमीटर हाइट, 6-pack बॉडी और इतना जिगर है कि किसी भी तूफान का सामना कर लूंगा। इन शॉर्ट ससुर जी, आपकी बेटी बेटिंग राजा के पास सेफ है। तू अपनी मौत से खेल रहा है। पैदाइशी शौक है वो मेरा,
जिस दिन मिलेगा ना टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। अबे पहले पकड़ के तो दिखा, फिर आगे का प्लान बनाना। सूरज डूबने से पहले तुझे खत्म कर दूंगा। तेरी ये डेडलाइन मैं कल तक एक्सटेंड करता हूँ, पकड़ के दिखा। ए! ए! तू चिल्लाएगा गला बैठेगा, मैं चिल्लाऊंगा बिजली करके। तेरी तो शांत हो जाइए सर, मामला गुस्से से नहीं ठंडे दिमाग से हल होगा। उस लड़की से भले ही आपको प्यार ना हो पर 10,000 करोड़ से तो है। अबे टकले बॉस, ये नंबर इंस्पेक्टर सक्सेना को दे दे। ठीक है बॉस। तूने बोला था वो फोन नहीं करेगा? ऐसा लगा था, गलत लगा था, इंसान गलती हो जाती है इंसान से। अबे भुने हुए पापड़, साले सड़े हुए टमाटर, गले सड़े आम, जली हुई दाल, तेरे को तो मिर्ची पाउडर लगाकर भट्टी में डाल दूंगा। थैंक यू लव गुरु। अरे कोई बात नहीं। ओ बैटरी लो हो गई। अच्छा जरा बाइक को धक्का मारो ना मैचोमैन, हमें देर हो रही है। वैसे भी आपके फैंस आएंगे हेल्प करने। फैंस? हम लगा के आयशा। लो मेरे फैंस आ गए, देखा जानो। सुमो में से सुमो पहलवान उतर रहा है, पिकनिक मना रहा है। अच्छा तो आप लोग जंगल में पेट्रोलिंग कर रहे हैं? तो क्या तुझे पेट्रोल देने आए हैं? तो बस थोड़ा सा पेट्रोल गाड़ी से निकाल कर गाड़ी में डाल दो। थोड़ा क्यों, टैंकी फुल कर देंगे। तुझे रेगुलर चाहिए या फिर एक्स्ट्रा पावर वाला? एक्स्ट्रा पावर वाला, ज्यादा जोश आ जाएगा। ज्यादा जोश आ जाएगा, जरूर दूंगा। पहले अपना नाम तो बताए। FM फुल टू मजनू द लव गुरु। ये कम सिंह कन्या कौन है तेरे साथ? ए क्या घटिया सवाल किया ब्रो, ये मेरी गर्लफ्रेंड है। गर्लफ्रेंड? फ्रेश पीस। तूने इसे बाइक का लालच देकर अपने जाल में पकड़ लिया है। पकड़ती तो ये है कसके। हेलो सर, आई एम बसंत। वेट, इसे कराओ, डेट मेरे साथ है, पार्टी बदलो। यस मिस्टर फुल टू मजनू, जंगल में क्या कर रहा है तू? आप भी ना, तोन बढ़ा ली पर दिमाग नहीं बढ़ाया। हम दोनों लॉन्ग ड्राइव पर आए हैं। ये बात है, तू रेडियो स्टेशन से इस एकांत जंगल में सिर्फ लॉन्ग ड्राइव के लिए आया है? इस इंस्पेक्टर शिंदे को शेंडी मत लगा। अब तक तो नहीं लगी। मजाक उड़ा रहा है, मेरी खींच रहा है? हाँ। अभी तुम्हारे फोन से फोन किसने किया था बताओ? मेरे चेले ने ब्रो, वो अपने आइटम के साथ साइट सीइंग करने गया। क्या कहा तूने, वो तेरा चेला है? ए ऑर्डिनरी चेला नहीं है, एकलव्य जैसा है। तू जानता है वो कम सिंह किसकी बेटी है? होगी किसी गधे की बेटी। वो किसी गधे की बेटी नहीं है, गधे बवंडर बिहारी की बेटी है। बवंडर? वो कौन है? सर ये रॉन्ग है सर, जिस देश में आतंकवादी से नरमी से पेश आते हैं उस देश में मुझ जैसी सेलिब्रिटी को सेल में धोया जा रहा है। खामोश, बता जल्दी बोल, बवंडर बिहारी की बेटी को तेरा कमीना चेला कहाँ ले गया है? सर आपका डंडा तो उठाना। आपके पतले डंडे की कसम, मुझे नहीं मालूम वो कहाँ गए हैं, वो तो बस मेरा चेला है। मार डाला। चेला है और तूने उसे अपना फोन ऐसे ही दे दिया? चेला साइड सिंह पे और गुरु पिंकी के साथ। करेक्ट, स्मार्ट बॉय है, इसलिए इतनी कमली उम्र में सब इंस्पेक्टर बन गए। फिर मार डाला। जबान का भी तो इस्तेमाल करो। मैं सब इंस्पेक्टर नहीं हूँ गधे, सबका इंस्पेक्टर हूँ। सर बड़ी मुश्किल से इस ढलती उम्र में कबली पीस हाथ में लगी है और आप मेरे खड़े अरमानों पर पानी फेरे जा रहे हैं, वो मेरा चेला नहीं है। अगर तेरा चेला नहीं है तो तू उससे अपने पैर दबा रहा था। गाना आइटम के साथ लॉन्ग ड्राइव पर बदली कर। अच्छा अपना स्टूडियो छोड़कर शहर से तू सीधा जंगल तक लॉन्ग ड्राइव पर गया था? अरे कम अकल वाले भैंसे, बार बार वही रट लगा रखी है। बोला ना कि वो ऐसे चिपक के बैठी थी कि मजे लेने में पता ही नहीं चला कि कब मैं जंगल में घुस गया। ऐसा है क्या? और क्या सर, आप कहाँ जा रहे हैं? सर सबूत इकट्ठा करने, मैं भी तो देखूंगी तेरी बात कितनी सच्ची है। सर वो फूल जैसी नाजुक और आप भैंसे जैसे भारी, क्या होगा? प्यार में नो टेंशन बालक, नो सॉरी। मैं अपने मोटे से फिगर को पतला करने के लिए उसे लॉन्ग ड्राइव पे ले जा रहा हूँ, शायद तेरी तरफ मेरी भी तनहाई दूर हो सके। अब समझ में आया बच्चन साहब क्यों बोलते हैं कि कॉल में आपकी जिंदगी बदल सकती है। जाओ जाओ टेस्ट ड्राइव लो। राजा बहुत भूख लगी है। तो मुझे खा लो ना। काश खा सकती पर अभी नॉनवेज खाने का मूड नहीं है। तो फिर ये पेड़ पत्ते खा लो ना। मैं बकरी थोड़ी ना हूँ। एक मिनट, क्या है? कुछ आवाज आ रही है ना। सो ब्यूटीफुल, अमेजिंग। चलो नहाते हैं। मुझे नहीं नहाना, तुम जाओ। क्यों? मैं दो दिन में एक बार नहाता,
लेकिन क्यों? हमारी बस्ती में एक दिन छोड़कर पानी आता है। तुम जाओ, मैं यहीं बैठता हूँ। ओके। एक नहीं, पूरे 13 साल मैंने इस दिन का इंतजार किया था। आज उस जमीन पर हमारा काम शुरू हो चुका होता, पर उसकी वजह से हम हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं। एक दिन उसके टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। शांत हो जाओ। तुम्हारे इसी गर्म दिमाग की वजह से मैं दिल्ली से यहाँ आया। बवंडर, जो काम चाकू से नहीं होता वो गन से होता है, जो गन से नहीं होता वो बॉम्ब से होता है, और जो काम बॉम्ब से भी नहीं होता वो मेरा बेटा कर सकता है। सुनो। हाँ सर। फोन करके उसे दुबई से बुलाओ। हाँ सर। साला घड़ी घड़ी ऑर्डर देता है। हाथ में पावर, जेब में पुलिस और गुंडे 1040, फिर भी हाथ पर हाथ धरे बैठे हो। दरअसल वो लड़का हजारों पर भी अकेला भारी है। हाँ, मगर आप सबका दिमाग खाली है। आप उससे मेरी शादी करवाने वाले थे और उसकी प्रॉपर्टी का लालच देकर कहा कि उसे दूर रहो, और इसीलिए आपने मुझे दुबई भेज दिया। क्या उखाड़ लिया आपने? एयरपोर्ट वो गए नहीं, किसी भी बस स्टेशन या रेलवे स्टेशन वो पहुंचे नहीं। उन्हें जमीन खा गई या आसमान निकल गया, आखिर कहां गए वो दोनों? नहीं छोड़ूंगा, मैं उन्हें नहीं छोड़ूंगा। लुका छुपी का खेल उन्होंने शुरू किया और देखना खत्म मैं करूंगा।